কফি খে মর মন্দ কর কোথায়, আরে আমি কফি, আরে ভাবি চিড়ি খেতে গেল। ওকে, হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল পরদেশি দ্য পরদেশি ডুওস। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পরদেশি ট্রাভেল ডুওস, অ্যান্ড টুডে শি ইজ হিয়ার অ্যান্ড শি উইল কন্টিনিউ দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু are coming. This video is about why Finland and what are the reason behind Finland, why not any other countries, because we applied for the Schengen for France and I always said that we couldn't go to France because of too much restrictions. France was not allowing any kind of tourism, so we had very 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 few places left to travel. So now she'll tell, because she was the person who decided for our trip. She was the back end person to decide everything. So now she'll start. To hindi mein bola jaye, introduction english mein ho gaya, to hum hindi mein. Thing was that hum log ka koi plan nahi tha, hum log ghar mein baithe baithe bore ho rahe the, hum log ki chutti waste ho rahi thi, kuch circumstances aise aa gaye the jo hum aapko baad mein batayenge. There was some unavoidable circumstances, but jo bhi ho, फाइनली वी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग एट होम कि हमने सोचा कि यार कहीं तो चल, और हमारा वीजा 15 दिन भी नहीं लगा था कि आ गया था बहुत। हम लोग का वीजा लाइक 3-4 दिन में आ गया था, आई थिंक 3-4 वर्किंग डेज में आ गया था। सो वी वर लाइक वीजा भी वेस्ट हो रहा था, छुट्टियां भी वेस्ट हो रही थी, सो वी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि सोचा कि चलो चलते हैं। बट वी वर सो लेट कि हाफ ऑफ द कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने यूके को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ओमिक्रॉन केसेस इन यूके। और हम लोग सारे कंट्रीज देख रहे थे कि कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे कि मैंने बोला कि शेंजन के लिए हमें ऑलरेडी 100 pounds हमने खर्चा किया था, तो ऐसा लग रहा था कि यार दिल पे पूरा एकदम जोर का झटका लग रहा था कि सही में झटका लग गया बहुत जोर से। तो हाँ, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के नॉर्वे पहले प्लान किए थे कि चलो नॉर्वे चलते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे एंड नॉर्वे एंड स्वीडन में। सो हमने सोचा था विल गो विजिट सम नॉर्दर्न कंट्रीज लाइक विच आर क्लोजर टू द आर्कटिक सर्कल। तो उसमें था वी प्लान के नॉर्वे या स्वीडन चलते हैं, फिनलैंड प्लान में ही नहीं था कहीं भी शुरू में। बट स्वीडन एंड नॉर्वे में देयर वर लाइक बहुत सारे केसेस हो गए थे, तो और टिकट्स वगैरह भी नहीं मिल रहा था बिकॉज हम लोग लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट मोमेंट पे हमने प्लान किया था। तो आर ऑप्शन वॉज फिनलैंड, एक तो वो ऑप्शन बचा था, एंड देन वी थॉट के फिनलैंड भी इट्स अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज फिनलैंड को सांता क्लॉस का लाइक ओन विलेज बोला जाता है, सांता क्लॉस होम माना जाता है फिनलैंड को, द लैपलैंड एंड द आर्टिक सर्कल, इट्स कॉल्ड द सांताज होम, जो रोवरनेमी जहाँ पे हम लोग गए थे लैपलैंड, तो दैट इज लाइक क्रिसमस के लिए वो जगह बना है एक्चुअली। तो चलो हम आपको छोटे से छोटे छोटे जो हम लोग हमने वीडियोस लिया था, तो हमने ये प्लान नहीं करा था कि हम लोग वीलॉग बनाएंगे, तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। इम्प्रॉम्प्टू हमने डिसीशन लिया एंड हमने छोटा 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 वीडियोस बनाए, उसी को जोड़ के वी विल शो यू फ्रॉम द डे वी लैंडेड इन रोवरनेमी। सो हियर इट गोज।
So can I book a table for two? So now you got a glimpse of Rovaniemi, जो हम लोग का पहला stop था. How we landed, how the place looked. It was covered completely in snow. And अब हम लोग बताएंगे कि हमने क्या क्या प्लान किया था, कहाँ कहाँ हमने बुक किया था, what all places we visited in Finland. And why we chose those place. Yeah. ये भी reason हम आपको बताएंगे. तो starting with Rovaniemi, why Rovaniemi? Rovaniemi इसलिए, पहले तो हमारे पास टाइम ऑनेस्टली बहुत कम था, क्योंकि हम लोग का सारा छुट्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. वी हैड जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट. तो हमने सोचा कि चार दिन में कहाँ कहाँ जा सकते हैं. पहले हमने सोचा था विल विजिट द कैपिटल हेलसिंकी एंड ऑल, बट फिर सोचा कि दैट सिटी तो कहीं भी कभी भी जाके देख सकते हैं. Rovaniemi इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, जैसे मैंने बोला कि सांता ज़ोन होम माना जाता है. और Rovaniemi में हमें डायरेक्ट फ्लाइट भी मिली थी. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वी एक्चुअली पहले हमने हेलसिंकी के लिए सोचा था, बट देन लकीली वी गॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू Rovaniemi. सो वी थॉट दैट लेट्स गो देयर ओनली डायरेक्टली. तो इसके लिए Rovaniemi में वी थॉट के यहाँ पे हम लोगों का बहुत सारा एक्टिविटीज भी होता है जो हम आपको दिखाएंगे आगे. देयर वर वेरियस एक्टिविटीज लाइक हस्की राइड्स एंड रेनडियर राइड्स एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस नॉर्दर्न लाइट्स टूर. सो दैट्स द मेनली नॉर्दर्न लाइट्स टूर के लिए वी थॉट कि हम लोग दो तीन दिन रखेंगे Rovaniemi में, सो दैट अगर पहले दिन नहीं देख पाए तो विल टेक अनदर चांस नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए. तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज डिटेल्स में गोइंग फर्दर. तो लेट्स हियर इट गोज. Yeah.
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि हमने रोवनियमी में जो एक्टिविटीज बुक किया था, द हस्की राइड, द रेनडियर राइड और नॉर्दर्न राइड्स टूर, वो हमने कहाँ से किया था. सो बेसिकली हम लोग ट्रिप एडवाइजर में जाके, वहाँ पे देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज. आप अगर ट्रिप एडवाइजर में जाएंगे एंड यू गिव द नेम, जैसे रोवनियमी, वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज आएगा, लाइक सफारी राइड्स है, नॉर्दर्न राइड्स टूर है, हस्की राइड्स, रेनडियर राइड्स, और बहुत वेराइटीज है. तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम, आपका कैसे जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं. तो हमने तो एक पैकेज बुक किया था फॉर लाइक ऑल हस्की, ऑल द थ्री हस्की राइड्स, रेनडियर राइड्स एंड द स्नोमोबाइल राइड, तीनों के लिए हमने किया था कंप्लीट पैकेज फॉर वन डे. एंड द सेकेंड डे हमने नॉर्दर्न राइड्स का बुक किया था, जो कि था रात में. सो ये हस्की राइड वाला जो था, दैट वॉज दिन के टाइम पे था, एंड नॉर्दर्न राइड्स जो टूर था वो रात का था. We'll give the links in the description. Yeah. So you can use that links if you are booking for the Finland and all these rides and all. So आप वो follow कर सकते हो. बाकी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, यू कैन चूज एनी ऑफ द वन. हमने नॉर्डिक ट्रैवल्स के साथ बुक किया था द हस्की एंड रेनडियर, एंड नॉर्दर्न लाइट्स वाज अनदर वन. सो वी ओके, सो दिस वाज द ब्यूटीफुल रोवनियमी दैट यू गाइस जस्ट एक्सपीरियंस्ड. एंड सो दिस वाज द एंडिंग ऑफ आवर फर्स्ट व्लॉग. नाउ वी आर गोना मूव फॉर द नेक्स्ट वन, व्हिच इज केमी. दैट वाज आवर सेकंड स्टॉप. So stay tuned guys for the next vlog. It's going to come very, very soon. Yeah, and we will cover the train journey in for Kemi. Aur Kemi se hum log Helsinki gaye, wo bhi hum log cover karenge. To second vlog aayega aur phir uske baad aur ek vlog aayega ki humne airport mein bhi hamare paas thoda sa time tha, to humne kya kya kiya airport mein, wo bhi hum log dikhayenge. To bas saath rahiye, dekhte rahiye. Aur amra dujoni Bengali. তো আমাদের তো ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো করে দেওয়া হয়নি. সো শি ইজ মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড. আমি দিয়েছিলাম প্রথম ভিলগে, ছোট্টবেলায় বন্ধু. তো হিন্দি মে ভি মে বল দেতি হুঁ, ইয়ে মেরি বচপন কি ফ্রেন্ড হ্যাঁ, হম লোক সাথ মে পড়তে থে স্কুল মে. তো আবি কিতনা সাল হো গয়া, বহুত সাল হো গয়া, বহুত সাল নেহি বোলেঙ্গে, হামারা এজ বাহার আ জায়েগা, সিক্রেট ট্রু. তো হ্যাঁ, আমার কুছ বহুত সাল হো গয়া, লাইক স্কুল পাস আউট কিয়ে হুয়ে, कॉलेज पास आउट किए हुए 10 साल हो गए. तो स्कूल पास आउट किए, तो कॉलेज पास आउट के 10 साल नहीं हुए, कॉलेज में एंटर करके. हाँ, कॉलेज समय एंटर करके 10 साल हुए, कॉलेज पास आउट करके बुढ़ापा नहीं आया है, पास आउट करके 6-7 साल हो गया. तो हाँ, तो 6 years. तो स्कूल से हम लोग दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स भी फ्रेंड्स हैं. तो हाँ, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन. और एक तो नाम था, बोले था, कॉल मी श्रेया. श्रेया श्री, हाँ, तो यू कैन कॉल अ श्रेया. एंड नोबडी कॉल्स मी बाय माय फुल नेम, यू नो मी, आई एम सहेली. सो सहेली एंड श्रेया. तो हाँ, तो एनीवे दिस इज व्हाट. एंड बस एटाई बोलार आछे, आमरा दुजोनेई बांगाली फ्रॉम कोलकाता. ताले आमादेर वीडियो देखते थाकुन, संगे थाकुन, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. सो